खबर का रुख करते हैं। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि जल्द ही एफडी, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, शेयर, म्यूचुअल फंड जैसे आपके सभी निवेश अब एक ही डीमैट खाता होगा इन सब के लिए। इसको लेकर तैयारी भी अंतिम चरण पर है। हम इसको लेकर पहले भी आपको एक अपडेट दे चुके हैं और लगातार इसमें जो भी अपडेट आ रहे हैं वो हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। और ज्यादा डिटेल्स के साथ अंकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकुर बताइए। जी हाँ, वन डीमैट अकाउंट बहुत ही जल्द एक रियलिटी में बदल सकता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीडीएसएल, एनएसडीएल इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, और जो एडवांस लेवल डिस्कशंस हैं वो भी डिपॉजिटरीज के एक्सचेंजेस और डिफरेंट रेगुलेटर्स के साथ हुए हैं। वन डीमैट अकाउंट में आप सारे शेयर्स, आप सारे जो अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पीपीएफ, इंश्योरेंस, यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ये सारे आपको एक जगह मिल सकेंगे। और ये सिर्फ यहाँ पे समाप्त नहीं होता है, हमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आप यहाँ पे ट्रांजैक्शंस भी कर पाएंगे। तो इंडस्ट्री का मानना है ये गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इससे न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी आएगी बल्कि आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो सकती है। कस्टमर्स के लिए भी एक ये बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि आपको अलग अलग जगह अलग अलग केवाईसी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक एक केवाईसी से काम चल जाएगा। जो वन डीमैट अकाउंट का जो आइडिया था वो सबसे पहले 2014 के इंटरिम बजट में पेश किया गया था, और उसके बाद से एफएसडीसी की सब कमेटी और साथ में बाकी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। बट अब हमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जिस तरीके से अकाउंट एग्रीगेटर ने काम किया है बैंकों के लिए, उसी तरीके से वन डीमैट अकाउंट इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, तो ये गेम चेंजर हो सकता है और ये एक बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। पर चलिए अब